दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि कोई स्टॉक ऊपर के सर्किट में चल रहा है तो उस स्टॉक को हम कैसे खरीदें। दोस्तों अमूमन क्या होता है, जब कोई स्टॉक अपर सर्किट पर चलता है तो हम उस स्टॉक को खरीद नहीं पाते और काफ़ी परेशान रहते हैं कि इस स्टॉक को कैसे खरीदें। जैसे कि अभी आलोक इंडस्ट्री का या रुचि इंफ्रा का स्टॉक अभी अपर सर्किट पर चल रहे हैं और काफ़ी व्यूअर हमारी वीडियो पर बार बार कमेंट करते हैं कि उनको ये स्टॉक नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगी उनको वो स्टॉक मिल जाए। तो फ्रेंड आज अपनी इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपर सर्किट पर कैसे हम अपने स्टॉक को खरीदें। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि इस कड़ी में सबसे पहले पता लगाए कि स्टॉक बीएससी पर खरीदें या एनएससी पर। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टॉक मिलने की संभावना बीएससी पर ज़्यादा है या एनएससी पर, पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड कैसे करना है, उसको डिसाइड करने के लिए आप उस स्टॉक के प्राइस को बीएससी पर भी देखें, आप देखें और उसके वॉल्यूम भी देखें। यदि स्टॉक का प्राइस और ट्रेडिंग के वॉल्यूम बीएससी पर ज़्यादा है तो स्टॉक को बीएससी पर खरीदना है, और यदि एनएससी पर ज़्यादा है तो एनएससी पर खरीदना है। फ्रेंड होता क्या है कि बीएससी और एनएससी पर एक स्टॉक के अलग अलग प्राइस होते हैं, और वो बीएससी पर ज़्यादा होते हैं और एनएससी पर कम होते हैं, या एनएससी पर ज़्यादा होते हैं बीएससी पर कम होते हैं। तो ट्रेडिंग वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है स्टॉक की, वो स्टॉक वहाँ पर मिल जाए इसकी संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता करना है कि बीएससी पर उसके वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं या एनएससी पर। तो जहाँ ट्रेड ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं उस स्टॉक को वहाँ पर खरीदना है। तो पहला इस कड़ी में जो हमारा ये पॉइंट था कि पहला पता करें कहाँ खरीदना है, तो दोस्तों आप समझ ही गए हो कि आपको स्टॉक कहाँ खरीदना है। फिर आगे देख लेते हैं, ये 17 जून का बीएससी और एनएससी की ट्रेडिंग का आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 17 जून का डाटा है बीएससी पर आलोक इंडस्ट्री का, और इसके स्टॉक का प्राइस है 34.45 रुपये बीएससी पर। तो यहाँ पर इसकी ये ट्रेडेड क्वांटिटी इन लैक्स लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये 19,84,000 है दोस्तों। तो आप इसको यहाँ पर लगभग 20 लाख मानिए, मोटा मोटा 20 लाख ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, इसके वॉल्यूम 20 लाख तक गए हैं आलोक इंडस्ट्री पर, और स्टॉक का प्राइस यहाँ 34.45 रुपये है। अब इसी को हम एनएससी पर देख लेते हैं, वहाँ इसका प्राइस क्या है और वहाँ पर ट्रेड की क्वांटिटी कितनी रही है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये ट्रेडिंग क्वांटिटी 20 लाख है और प्राइस 34.45 रुपये। अब एनएससी पर देख लेते हैं, तो अब ये 17 जून का आपके सामने एनएससी का डाटा है, और एनएससी पर इसके स्टॉक का प्राइस कुल 32.85 रुपये है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर था 34.45 रुपये, और वहाँ से ये काफ़ी कम है प्राइस एनएससी पर। और यदि इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम यहाँ पर 2,87,000 ट्रेड हुए हैं, और बीएससी पर कितने हुए थे, ये 20 लाख दोस्तों। यहाँ से 9 से 10 गुना वहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड होते हैं बीएससी पर आलोक इंडस्ट्री के। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक के मिलने की संभावना कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पर 20 लाख की आज की ट्रेडेड क्वांटिटी थी बीएससी पर, यहाँ पर ये 3 लाख भी नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको आलोक इंडस्ट्री की शेयर चाहिए तो हम आपको बता देते हैं कि आप अपने एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगाने हैं वो बीएससी पर लगाने हैं, और ऐसे यदि आपको किसी दूसरे स्टॉक के एएमओ लगाने हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने हैं दोस्तों, तो वो आपको दोनों जगह की ट्रेडिंग की क्वांटिटी इनके वॉल्यूम देखकर आपने डिसाइड कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एग्जाम्पल हो गई, वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको यदि आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदना है या आपको कोई अदर स्टॉक अपर सर्किट पर खरीदना है तो आपको किस एक्सचेंज पर उस स्टॉक को खरीदना है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल हो गया आपके सामने आलोक इंडस्ट्री का। तो वहाँ पर हमने देखा कि आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक के प्राइस और वॉल्यूम बीएससी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस स्टॉक के बीएससी पर मिलने के चांस एनएससी से ज़्यादा है। इसी तरह से आप अपने स्टॉक को खरीदने के लिए सही स्टॉक एक्सचेंज का चुनाव करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने दूसरे स्टॉक को यदि अपर सर्किट पर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखकर आपको डिसीजन लेना है कि कहाँ आपको आपका स्टॉक खरीदना है। तो ये तो डिसीजन की बात होगी कि कहाँ पर स्टॉक खरीदना है। अब आगे की कड़ी में देख लेते हैं कि हमें करना क्या है दोस्तों। तो अब उचित स्टॉक एक्सचेंज चुनने के बाद ट्रेडिंग क्लोजिंग के बाद दोस्तों अगले दिन के लिए ऊपर के सर्किट पर एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है। मीन्स सपोज करो कि आज की ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है दोस्तों, तो आज जितना जल्दी हो उतना जल्दी एएमओ लगा दे कल की ट्रेडिंग के लिए, और वो एएमओ अपर सर्किट के रेट पर लगाए कल जिस अपर सर्किट पर वो स्टॉक खुलेगा।
तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO लगा देते हैं कल के अपर सर्किट वाले रेट पर, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कल जब स्टॉक खुलेगा तो उसके अपर सर्किट के प्राइस क्या होंगे, वो कैसे पता करें। तो दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं कि अपर सर्किट के प्राइस कैसे पता करने हैं आपने, तो इसके लिए आपको फिर से हम आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक का एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी उस एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ठीक है, आज 17 जून को आलोक इंडस्ट्री का शेयर BSE पर 34.45 रुपए पर क्लोज हुआ है दोस्तों। अब यहां पर निकालेंगे कि कल का इसका अपर सर्किट का प्राइस क्या होगा और उसके अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अपर सर्किट के प्राइस और निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कल का प्राइस जो होगा, कल का प्राइस निकालने के लिए इस 34.45 रुपए को आपको 1.05 से गुना करना है। 1.05 से गुना क्यों करना है, क्योंकि 1.05 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोस्तों ये इसके 5% जुड़ के आएगा इसमें 1.05 से। यदि 5% का इसका सर्किट लगता है, जनरली 5% के ही अपर सर्किट होते हैं दोस्तों, तो 5% से इसको ऊपर कैलकुलेट करने के लिए 1.05 से गुना करना है और आपका प्राइस आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ करना है आपको 5 पैसे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं वो पूरी टेबल आलोक इंडस्ट्री की। तो दोस्तों ये अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के हमने अपर सर्किट के प्राइस कैलकुलेट किए हैं यहाँ इस टेबल में आलोक इंडस्ट्री के, तो वो आपको समझा देते हैं। जैसे आज 17 जून है और ये 17 जून को यहाँ पर 34.45 रुपए का इसका स्टॉक का प्राइस है दोस्तों। तो इसको हमने बताया था आपको कि 1.05 से इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका MF है, मल्टीप्लाई फैक्टर बोल सकते हैं, तो 1.05। तो जब इसको 1.05 से गुना करते हैं तो अपर सर्किट प्राइस इसका निकल के आता है 36.17 रुपए या 173 पैसा फ्रेंड्स। तो इसको राउंड ऑफ करना है 5 पैसे में, इसको राउंड ऑफ कहाँ करना है 5 पैसे में, तो इसके नीचे वाले नीचे साइड में, तो ये 17 पैसे है तो ये 15 पैसे आता है दोस्तों। तो 36.15 रुपए इसका कल का 18 जून का अपर सर्किट का प्राइस होगा दोस्तों। अब इसको वापस कैलकुलेट करना है कि कल के बाद जो परसों का ट्रेडिंग सेशन होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वहां कितना होगा। तो ये वापस 36.15 रुपए रखा है हमने और इसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये आता है 37.958। तो इसको 5 पैसे तक राउंड ऑफ करना है तो यहाँ 95 रह जाएगा, तो 37.95 ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का प्राइस होगा 5% अपर सर्किट पर आलोक इंडस्ट्री का दोस्तों। तो ऐसे ही ये फिर 37.95 को 1.05 से किया तो ये यहाँ पर 39.848 आया, तो यहाँ पर 80 आएगा दोस्तों, 39.80 पैसे। इसको राउंड ऑफ करते हैं नीचे की तरफ 5 पैसे में, तो 39.80 का फिर 1.05 से गुना किया तो यहाँ पर 41.79 आया, तो इसको 5 पैसे तक राउंड ऑफ रखना है तो 79.80 एक पैसे होता तो 80 पैसे हो जाता, तो लेकिन कम है तो दोस्तों ये 75 पैसे पर रहेगा। फिर 41.75 को हमने 1.05 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो ये 43.838 आया है, तो ये 80 तक यहाँ राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 43.80 रुपए इसका प्राइस आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रखा है हमने यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो इसको यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को आपस में हमने गुना किया है ये एक्सेल शीट में, सिंपल सी बात है, और इन दोनों को आपस में गुना किया है ये यहाँ एक्सेल शीट में, तो ये एक्सेल शीट में हमने करके दिखाया है दोस्तों। यहाँ पर किसी दूसरे स्टॉक का प्राइस भी निकालना है, आप सपोज करो आपको रुचि इंफ्रा, रुचि सोया, या आपको प्रकाश स्टीलेज, रिलायंस नेवल और JP पावर, इन किसी भी स्टॉक का आपको अपर सर्किट का प्राइस निकालना है, तो दोस्तों आप इस तरीके से ये इनके अपर सर्किट के प्राइस निकाल सकते हैं और एक दिन पहले एडवांस में आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। वो लगाने पर ये संभावना ज़्यादा होगी कि आपको आपके स्टॉक अपर सर्किट पर मिल जाए दोस्तों। यही करना होगा, यही एक तरीका है जिस तरीके से आपको वो स्टॉक मिल सकते हैं। यदि आप इस तरीके को नहीं अपनाते तो आपको उन स्टॉक के अपर सर्किट पर मिलने की संभावना बहुत कम होगी, फिर वो उस दिन आपको मिलेंगे जिस दिन उनका अपर सर्किट टूटेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें कि हाँ समझ में आई है, पता नहीं आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है।